NA 237 और NA 239 में वोटर्स आमने सामने, लोगों ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए और सट्टेबाजों ने सट्टा लगाना शुरू कर दिया। ज्यादातर आवाम ने PTI और PPP के कांटे के मुकाबले की पेशनगोई कर दी। सट्टेबाजों के नजदीक ये जिमनी इलेक्शन किसी मैच से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ कप्तान की मकबूलियत का दावा है और दूसरी जानब PDM का मुश्तरका बयानिया। जराए का दावा है कि मलिर से PPP के उम्मीदवार हकीम बलोच और कोरंगी से इमरान खान को फेवरेट करार दिया जा रहा है। PPP और PTI में टक्कर का मुकाबला। सियासी घोड़ों की इस दौड़ में कौन मारेगा बाजी और कौन खाएगा मुंह की, सियासी बसीरत रखने वालों में चहमगोइयां होने लगी। कोई इमरान का खिलाड़ी है तो कोई PPP का जैला। वोटर्स करेंगे आने वाली सियासी सुबह का फैसला, कौन बैठेगा पार्लियामेंट में और कौन जाएगा घर। आज की रात इन घोड़ों की लगाम है अवाम के हाथ में। देखना यह है कि अवाम का फैसला किसके हक में जाता है। क्या कोरंगी और मलिर की अवाम अपने माजी के तजुर्बे को सामने रखकर फैसला करेगी या अपने मुस्तकबिल का फैसला इस बार भी अना की नजर होंगे। क्या PPP के नारे अवाम को जोश दिलाएंगे या फिर खान साहब की तकरीरें और जलसे रंग लाएंगी। क्या इलेक्शन जीतने के बाद मुंतखब नुमाइंदे याद रखेंगे अवाम का साथ और करके दिखाएंगे कुछ काम, या फिर हमारी बेचारी अवाम रोएगी वही पुराना राग के इलेक्शन के वक्त याद आती है अवाम और ड्रामा करने पहुंच जाते हैं हमारे प्यारे सियासतदान। एक तरफ सट्टेबाजों ने अपनी फेवरेट जमातों को फेवरेट करार दिया तो दूसरी जानब एक हल्के ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया है और दूसरी जानब फेवरेट जमातों ने वोटर्स को घरों से निकालने के लिए पुरजोर कोशिश करना शुरू कर दी है। फैसला अनकरीब होने वाला है कि किसका पलड़ा भारी है। पलड़ा जिसका भी भारी हो, इसकी एक अहम वजह अवाम ही है। इसलिए अवाम को चाहिए कि अपने वोट का हक अपनी आंख और कान खोल के दिमाग को हाजिर रख के करे। वोट अवाम का जमहूरी हक है और अवाम को यह हक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।